पर्वतासन जा रहे धीरे धीरे आगे नादा ने संतों से पूछा बोलिए परमानंद स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। परमानंद स्वामी सच्चिदानंद महाराज सिद्धाश्रम साधक परिवार की जय। सिद्धाश्रम स्थित सभी योगी ऋषि मुनियों की जय। माँ भगवती जगदम्बे की जय। परम प्रभु गुरुदेव 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 की जय। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, सुख को व्यक्त किया जा सकता है कि पंखा चलता है सुख है, इसको मैं कह सकता हूँ कि महल है मकान है, ये सब कुछ कह सकता हूँ। आनंद को शब्दों में, फिर आनंद नहीं है जिंदगी का, तो जिंदगी का कोई रस नहीं है। और साठ वर्ष में भोजन कर ही नहीं रही है, चार एक आध रोटी सुबह खाती है, एक नहीं खाती है, मुझे पूरा ध्यान नहीं, पर वो नहीं खाती है शायद, या एक टाइम खाती है। जब आदमी अन्नमय कोष से हट करके प्राणमय कोष में चला जाता है तो आदमी ज्यादा सुंदर ज्यादा प्रभावयुक्त बन जाता है। साल दो साल आदमी छोड़ दिया है, अन्न की जरूरत नहीं है, उसको खाती नहीं है भोजन, और तुमसे ज्यादा बोल सकती, तुमसे ज्यादा मान 24 घंटे काम करती रहती है। हम सब अन्नमय कोष में, वो प्राणमय कोष में जाने की क्रिया है, और इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। सुबह एक अटैचमेंट, अटैचमेंट के आगे सुबह मिल गई बीच में, गुरुदेव बस आपको बस मुझे विश्वास दिलाइए कि आप संन्यास वापिस नहीं लेंगे। मैंने कहा राधा मैं तो संन्यास लूंगा, मैं अब इस गृह शिष्यों से बहुत ऊब गया और वहां जर्जर रोने लगी, ऐसा आपने तो बस मैं तो कह रहा था मजाक में, मैं तो अपने एक लेवल पे चल रहा था, मैं कहते अब छोड़ देंगे इसको, और वो आपके तुमको पटका रही मूल तंतु वहां से। आज का दिन और आज का दिन, आज से तुम्हारा प्रत्येक दिन आनंदमय होना चाहिए। तुम्हारे गृहस्थ में जाने के बाद तुम वैसे वैसे वापस बन जाओगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वैसे की वैसे तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित करेगी। कल शाम को मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारी भावनाओं पर तुम बैठ करके आगे बढ़ो, तुम्हारी बुद्धि बीच में बाधक नहीं बन रही, यहां बुद्धि बाधक नहीं बन रही। मेरा तो जब कभी तुम्हें सौभाग्य मिले, मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे भाग्य से उदय कब होंगे, मगर कभी भाग्य तुम्हारा उदय हो तो मुझे पहचान सको, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। हमारे यहाँ भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब कोई व्यक्ति या प्राणवान व्यक्ति या गुरु या युग पुरुष जिंदा होता है तो गालियां देते हैं, नहीं मिलते हैं, दूर रहते हैं, मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अखंड जाप करते हैं। ये हमारे जीवन की एक विद्रूप है, न्यूनता है, कमी है, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें पहचानने की। कृष्ण भी ये कह रहा था अर्जुन को कि तुम मुझे समझोगे नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं वृक्षों में कल्प वृक्ष हूं, वो खुद कह रहा था। इसका मतलब ये नहीं कृष्ण घमंड में बता रहा था कि मैं बहुत मान लू, बता वो कह रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो और नहीं समझोगे, मैं चला जाऊंगा और फिर तुम पछताओगे। वो पांडवों को ये कह रहा था, गीता में पूरी बात यही है, 10वां 11वां अध्याय केवल इसी बात पर है। मैं नदियों में गंगा नदी हूं, तुम गंगा नदी से बड़ी पवित्र नदी कोई नहीं होती, और मैं नदी गंगा हूं, मैं पहाड़ में हिमालय हूं, तुम ये समझ ले। क्योंकि उदाहरण देकर समझा रहा था, ब्रह्म की व्याख्या करके तो अर्जुन पूछता ही था, और जब ऐसा कह रहा था 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में तो कृष्ण कोई अपना घमंड नहीं बता रहा था कि मैं बहुत महान हूं, घमंड बताता तो सार्थ नहीं बनता, तो योद्धा बनता, वो तो सार्थ बन गया है अत्यंत लघु रूप में, एक मामूली 300 रुपये तनखा पाने वाला, एक साथ ही घोड़ा चलाने वाला वहां बैठा। मगर वो जब समझे नहीं तो समझाने की क्रिया कर रहा था, इसलिए मैंने लाइन बोली है कि हो सकता है तुम्हारा कभी भाग्य उदय हो और कभी तुम पहचान सको, नहीं पहचान सको कि तुम्हारा
दुर्भाग्य है, मेरा भी दुर्भाग्य है। फिर अपने जीवन में से फिर वापिस कोई गर्व सुन लेना। अब कैसा गर्व मिलेगा तुम्हें? अच्छा मिलेगा, ब्राह्मण का मिलेगा, शूद्र का मिलेगा, कैसा गर्व मिलेगा मैं नहीं कह सकता। फिर किसी गर्भ में पैदा हो जाना, फिर मल में पड़ा रहना, मूत्र में पड़ा रहना, फिर 8-9-10 साल तक उसमें घिसटते हुए, फिर तुम्हारी मेरी वापिस भेंट होगी, जरूर होगी, 20-60 में, 25-60 में, 30-60 में, फिर मैं तुम्हें यही बात कह रूंगा, तुम पहचान लो तो ठीक रहेगा, तुम्हें वापिस जन्म नहीं देना पड़ेगा। फिर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित करती रहेगी, फिर कोई और राजा खड़ी होगी, वो गालियां देगी, फटकारेगी तुम्हें, फिर 2 क्षण तुम्हारे आंख में आंसू आएंगे, फिर बाहर निकलने बाद तुम वापिस बैठे हो जाओ। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्षण तुम्हारे जिंदगी में कब आएगा, कैसे आएगा। आए मैं तो ऐसी काम है, मैं तो केवल अपने हृदय से आशीर्वाद दे सकता हूं, अपना प्राण दे सकता हूं, अपना चिंतन दे सकता हूं, मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूं। शायद तुम्हें कभी समझ में आए, मैं ठोकर मारता हूं, गालियां देता हूं, फटकारता हूं, तुम्हारे मेरे संबंध तो टूट सकते नहीं, टूटेंगे भी नहीं, तुम ही भटक जाओगे रास्ता, पगडंडी तुम बदलोगे, मैं पगडंडी नहीं बदलता हूं। मैं जिसे प्यार करता हूं तो प्यार करता हूं पूरे दमखम के साथ करता हूं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक करता हूं, मैं तो करता हूं क्योंकि मुझमें करने की क्षमता है, चाहे बाधाएं, चाहे विपत्तियां, चाहे समस्याएं, बाकी मैंने पर जिंदगी में की नहीं। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आलोचना तुम पर आवी होगी, तुम पगडंडी बदल के खड़े हो जाओगे, तुम्हारी पगडंडी तुम्हारी जगह है, तुम जाओगे। दारुण दुख देही निछुरक एक प्राण कर ले। कुछ ऐसे भावनात्मक संबंध होते हैं और देह संबंध अटूट और अमिट होते हैं, और ऐसे संबंधों में पूरे संसार में केवल एक ही संबंध माना जाता है जिसको गुरु शिष्य संबंध कहते हैं, क्योंकि ये संबंध शरीर से संबंध ही नहीं है और फिर भी इतनी अधिक वेदना और विफलता होती है। यदि पुत्र बिछुड़ता है तो दुख होना स्वाभाविक है, पत्नी बिछुड़ जाए या पति बिछुड़ जाए तो आंख में आंसू आ सकते हैं, भाई या बहन बिछुड़ जाए तो हृदय उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये सब कहीं कहीं देह से जुड़े हुए हैं, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, चाहे माँ है, चाहे भाई है, चाहे बहन है। गुरु शिष्य का संबंध तो देह से है ही नहीं, गुरु से वह कहीं और पैदा होता है, किसी और माँ बाप का संतान होता है, कहीं और का जीवन का लालन पालन होता है, और कहीं आकर के किसी गुरु से संबंध जोड़ता है, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे अगले क्षण भी अलग हो गए, ऐसा लगता है जैसे प्राण खुद खींच रहे हो, प्राण जा रहे हैं, और उतनी दर्द, उतनी वेदना, उतनी छटपटाहट अनुभव होती है। ऐसे ही संबंध आत्मीय संबंध कहलाते हैं, प्राणात्मक संबंध कहलाते हैं, और यही संबंध शाश्वत है। जब हृदय में प्यार का अंकुर फूटता है तो आंख में आंसू आता है, और जब आंख में आंसू आ जाता है तो सारा संसार अपने आप में बौना हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, उसके सामने कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई मां बाप, भाई बहन, संबंधी रिश्तेदार, पति पत्नी, सब कुछ गौण हो जाता है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती को झेलने के लिए खड़ा हो जाता है। और मैं आपके इन भावात्मक संबंधों को अनुभव कर रहा हूं, और अनुभव करने के साथ ही साथ मैं बार बार, कल रात को जो मैं प्रवचन कर रहा था वो मैं कह रहा था कि मैं आपको फिर ठोकर लगा रहा हूं, फिर मैं आपको अपने प्राणों से जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, फिर आप अलग हो जाते हैं तो मैं अपनी भुजाओं में आपको बदलने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे सीने से, बक्षे स्थल से लगे रहे, मैं प्राणों की गर्माहट एहसास करें, एहसास करें कि उस गर्माहट में कितनी ताजगी है, कितनी चेतना है, कितनी विवलता है, कितनी करुणा है, कितनी दया है, तब आप अनुभव कर सकेंगे। दूर रहकर के वह चीज प्राप्त नहीं कर सकते, और इसीलिए मैं आज आपको दीक्षा दे रहा हूं। फिर मैं
लक्ष्य कर रहा हूं, उस दिया बनने और दिया जलने के लिए। हम अगर हजार काम छोड़ करके भी अगर गुरु से मिल सके तो इससे बड़ा काम संसार का कुछ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और जब मैं गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो कोई मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, गुरु मैं गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा एक पथ प्रदर्शक हूं, एक रास्ता बताने वाला हूं, मैं उंगली पकड़ करके उस जगह पहुंचाने वाला हूं जिस जगह तुम जाना चाहते हो। बीच में कहीं खाई नहीं आ जाए, बीच में कोई पहाड़ नहीं आ जाए, कोई कंकर नहीं आ जाए, कोई कांटा नहीं लग जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में, क्योंकि रास्ता मेरा जाना पहचाना रास्ता है। कभी जीवन का सौभाग्य मिला तो मैं तुम्हें इस रास्ते पर तो ले जा ही रहा हूं, कुछ और रास्ते भी दिखाऊंगा। सिद्धाश्रम के सन्यासी शिष्यों और आप लोग गृहस्थों के बीच में एक रस्ता करती है खींच, और मैं बीच में कृष्ण को भी लटका हुआ हूं। मैं यहां पर भी बहुत प्रसन्न हूं और मैं वहां पर भी बहुत प्रसन्न हूं। सिद्धाश्रम को भी मैंने संजोया है और अत्यंत प्रसन्नमय बनाया है, उन सन्यासियों को भी मैंने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, इस बात का मुझे गर्व है, उन शिष्यों पर गर्व है और मुझे आप लोगों पर भी गर्व है, क्योंकि तुम्हारे पास आंसुओं की मालाएं हैं, आंखों में ली हुई, तुम्हारे पास प्रेम है, तुम्हारे पास स्नेह है, अटैचमेंट है, निर्भरता है, और ये मेरी पूंजी है। इस बात का मैं गर्व अनुभव करता हूं और चाहता हूं कि यह जीवन तुम्हारा आखिरी जीवन हो, इस जीवन के बाद जन्म नहीं लेना पड़े। मेरा प्रयत्न यह है, तुम्हारा प्रयत्न कुछ और होगा, मैं नहीं कह सकता तुम्हारा क्या प्रयत्न है। मेरा प्रयत्न यह है कि तुम बार बार अपने जन्म मरण से छूट सको, बार बार इस छल कपट झूठ असत्य और इस छल की दुनिया में सांस नहीं दे सको, कुछ उस आनंद में विचरण कर सको, उन सन्यासी शिष्यों के साथ रह सको, उस सिद्धार्थ की पावन भूमि का तुम्हें जब आप कह सकता है सुनी या नहीं सुनी, और वास्तव में भूमि व स्थान वो जगह को तुलना नहीं है, कोई नहीं सकती, बिना स्वाभाविक वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। जरूर मेरे भाग्य में कोई कोई तुम्हारी लिखी हुई लाइनें होंगी, विदा का भी तो लाइनें लिखी और तुमने भी कुछ लाइनें लिखी होंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूं। पत्नी का मुझे मोह है नहीं, राह भी नहीं, पुत्रों का मुझे मोह है नहीं, राह भी नहीं, है भी नहीं, मोह नहीं, कर्तव्य है और ये पत्नी की समझती है, बहुत अच्छी तरह से समझती है कि इस जिद्दी आदमी को जो हिमालय में नहीं रोक सकता, समुद्र रोक नहीं सकता, तो मैं तो रोक ही नहीं सकूंगी, और जिस दिन इसको वहां का संकेत मिल गया गुरु का तो सीधा गमचा कंधे पर डाला सीधा मुड़ जाएगा, मुंह नहीं कर्तव्य तो है, और मैं कर्तव्य का पालन आग में खड़े होकर करता हूं। कभी कभी कोई कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जहां तुम्हें सद्बुद्धि चेतना प्रेरणा प्राप्त हो सके, कोई ऐसा क्षण जरूर होगा जब तुम मेरी उंगली पकड़ करके चल सको, ऐसा क्षण तुम्हारी जिंदगी में आवे, कब आए यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारे ऊपर निर्भर इसलिए है कि मैंने तीन दिन के चार दिन के प्रोग्राम में यही कहा कि तुम बिल्कुल जब खाली होकर मेरे पास बैठ सकोगे मैं बहुत कुछ भर सकूंगा, तो बिल्कुल लबालब भरे हुए और मैं उसमें एक मुंह में डालू तो वापस निकल जाती है और निकल जाएगी, वापस तुम अपनी जगह जाओगे तो ठीक वही वैसा ही माहौल, वही वातावरण, वही छलकपट, वही हायतोबा, वही अफसोस, वही परेशानियां, वही दुख, वही धन की लालसा, वही दौड़ धूप और पशुपत जीवन। You.
Thank you.